हेलो गाइस, वेलकम ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो प्रिसिपिटेशन के बारे में हमने दो तीन वीडियोस में कुछ पढ़ लिया है, हालांकि उसका बेसिक्स थोड़ा देख लिया है, रेन गेज के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं प्रिसिपिटेशन से रिलेटेड ग्राफ्स के बारे में, कर्व्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे कर्व्स होते हैं जो आगे प्रिसिपिटेशन की जब अपन फर्दर स्टडी करते हैं तो उसमें यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और प्रिसिपिटेशन की जो कई प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक उसकी इंटेंसिटी, टाइम ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, तो उनके बीच में कर्व और ग्राफ जो होते हैं वो क्या बताते हैं, रिलेशन शो करते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो कुछ कर्व हैं, कुछ ग्राफ हैं जिनके बारे में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो अपन उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप कुछ भी अपनी तरफ से, इंपॉर्टेंट कर्व एंड ग्राफ लाइक। तो पहला जो है अपने पास वो होता है मास रेनफॉल कर्व। मास रेनफॉल कर्व, ठीक है। मास रेनफॉल कर्व जो होता है वो बताता है अपना क्यूमुलेटिव रेनफॉल एंड टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो अपना मास रेनफॉल कर्व जो होता है वो एक ग्राफ होता है जो किसके बीच में बनाया जाता है या किसके बीच का रिलेशन शो करता है, ये करता है क्यूमुलेटिव रेनफॉल और टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे टोटल जो रेनफॉल होती है उसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव रेनफॉल, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, क्लियर। तो अब देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, इधर है ये मेरे पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम यहाँ पे, ठीक है, यूनिट टाइम की जनरली आवर ही चलती है अपनी। और इधर ले लिया मैंने क्यूमुलेटिव रेनफॉल, इसे जनरली पी से शो किया जाता है। और यूनिट अपन इसकी कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, एमएम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इधर जाएंगे क्यूमुलेटिव रेनफॉल बढ़ रही है, इधर टाइम अपना बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा था जीरो टाइम जब मेरे पास कुछ भी रेनफॉल नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रेनफॉल की जो अपने पास डेप्थ है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो मेरे बीच में कुछ एक टाइप का रिलेशन मिलेगा। अब कैसा मिलेगा, कैसा कर्व जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलग अलग जगह पे क्या है वो अलग अलग शेप का कर्व हो सकता है। तो मैं कुछ भी एक कर्व मान लेता हूँ, ये मैंने एक कर्व मान लिया जो कि रेनफॉल और टाइम के बीच में है। तो ये कर्व मेरा क्या हो गया, मास रेनफॉल कर्व हो गया किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए, क्लियर है ये बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, लाइक मैंने ये पॉइंट ले लिया एक्स, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनवाता हूँ तो वो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बताएगी, रेनफॉल की इंटेंसिटी को बताएगी। जैसे यहाँ पे इस एक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरे पास टाइम आ गया टी एक्स लाइक, ठीक है। तो इधर देखिए रेनफॉल इंटेंसिटी एट टी एक्स टाइम वो हो जाएगी मेरे पास डी पी बाय डी टी, क्लियर है। आपको पता है ऑब्वियसली बात है, टेंजेंट बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं तो क्या कर देंगे, पार्शियल डेरिवेशन कर देंगे उसका, तो अपने पास क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी मिल जाएगी, क्लियर है। रेनफॉल इंटेंसिटी आप सारे जानते ही हो, जनरली किसमें मेजर की जाती है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है तो अपन क्या लेंगे, पर यूनिट टाइम का लेंगे। तो अपन इसको मेजर करते हैं जनरली एमएम पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर में, जो भी यूनिट अपनी सूटेबल हो, क्लियर है। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं इंटेंसिटी के बारे में। इस ग्राफ को जो कि क्यूमुलेटिव रेनफॉल और टाइम के बीच में बनता है, इसे बोला जाता है मास रेनफॉल कर्व, ठीक है, बना लो इसको। ठीक, बना लिया होगा आपने पॉज करके, ठीक है ना। सेकंड लिखिए हाइटोग्राफ। सेकेंड होता है अपना हाइटोग्राफ, ये भी एक कर्व या ग्राफ ही टाइप होता है, इसी में काउंट किया जाता है इसे। देखिए हाइटोग्राफ पहली बात तो एक बार डायग्राम होता है और ये रिलेशन बताता है रेनफॉल की इंटेंसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज अ बार डायग्राम बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, ठीक है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के रिलेशन को अगर मैं बार डायग्राम के
टाइप से शो कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, हाइटोग्राफ कहलाएगा मेरा, ठीक है। तो देखो बनाते हैं इसको, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये इधर एक्स एक्सिस है, ठीक है। इधर मेरे पास टाइम चल रहा है आवर्स में, और इधर मेरे पास इंटेंसिटी चल रही है एमएम पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। इधर मेरे पास 2, इधर 4, इधर 6, इधर मेरे पास टाइम चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, जितना भी चलना चाहिए आगे तक, ठीक है। अब मुझे पता लगा कि भाई 0 to 1 आवर का जो मेरा स्लॉट था वहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी थी मेरे पास 3, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 3 इंटेंसिटी का एक ग्राफ बना दूंगा छोटा सा, ठीक है। बाद में मुझे पता लगा कि 1 से 2 आवर के बीच का जो स्लॉट था वहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी थी मेरे पास 4, तो यहाँ तक बना दूंगा, ये लो जी, क्लियर। और 2 to 3 में मेरे पास थी 5, तो मैं इधर बना दूंगा, ये बन गया मेरे पास। ऐसे ही सपोज कीजिए आगे मेरे पास इस टाइप से बन गया, तो ये जो मेरे पास बार डायग्राम बना इसी को क्या बोलूंगा मैं, हाइड्रोग्राफ बोलूंगा, ठीक है। ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, इंटेंसिटी और टाइम के बीच में, क्लियर। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है क्या। अब यहां पे देखो आप, इधर आप देखो तो ये है मेरे पास इंटेंसिटी और ये है मेरे पास टाइम इस पर्टिकुलर एक्सिस पे। अगर मैं इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालूं, ठीक है, ये ग्राफ का मैं एरिया निकालूं तो वो क्या शो करेगा मेरे पास, देखो इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर, क्लियर। इधर मेरे पास टाइम चल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय आवर कर दूंगा क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास सेंटीमीटर पर आवर में है, ये मेरे पास आवर में है, तो एरिया निकालूंगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेक्टेंगल है, आवर से आवर कट गया, मेरे पास क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी। दैट मीन्स मेरे पास अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ हाइटोग्राफ का, तो ये मेरे पास बताएगा टोटल रन ऑफ, ठीक है, या टोटल रेनफॉल बोल सकते हो आप इसको, अगर इनफिल्ट्रेशन को अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं उस केस में तो, ठीक है। दूसरी बात, हाइटोग्राफ जो होता है अपने पास तब बनेगा जब अपने पास इंटेंसिटी का डेटा अवेलेबल होगा। मतलब अगर मेरे पास इन स्लॉट के बीच की इंटेंसिटी होगी तभी मैं हाइटोग्राफ बना सकता हूँ। तो हाइटोग्राफ जो बनता है वो रिकॉर्डिंग रेन गेज टाइप जो होते हैं अपने पास उनकी हेल्प से बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होते हैं वो ओनली डेप्थ शो करते हैं, इंटेंसिटी को शो नहीं करते, ठीक है। और रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होते हैं वही केवल इंटेंसिटी को शो कर पाते हैं, तो हाइटोग्राफ जो होता है वो ओनली किस केस में बन सकता है, जब अपना रेन गेज रिकॉर्डिंग टाइप का हो, ठीक है। तो ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए इसको, लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में, मैं लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, होप आपने लिख लिया होगा। अगला करवाता है अपने पास, इंपॉर्टेंट है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। अगली हेडिंग डालिए कर्व में, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, इसे जनरली बोलते हैं DAD कर्व, ठीक है। अब देखो DAD कर्व जो होता है उसको प्लॉट करने के कुछ मेथड हैं, ठीक है, उसका पूरा की पूरा प्रोसीजर है कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं, उस चीज से अपने को लेना देना नहीं है क्योंकि अपने को थ्योरेटिकल पेपर पास नहीं करने हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है अपना। तो अपन ओनली ये देखेंगे कि डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, ठीक है। तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होता है मेरे पास जिसे मैं ए बोल सकता हूँ वो होता है मेरा डेप्थ एरिया कर्व, ठीक है। ये जो मेरे पास कर्व है ये क्या बताएगा, टोटल रेनफॉल डेप्थ और एरिया जो है मेरे पास कैचमेंट का उसके बारे में रिलेशन बताएगा। अब देखो अपन एक छोटी सी बात करते हैं, मेरे पास ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, ये मेरे पास लेट सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है कोई भी है, लाइक ये जयपुर है, ठीक। अब जयपुर में क्या है, मुझे ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल का डेटा प्रोवाइड करना है, मंथली भी करूंगा, डेली भी करूंगा, ईयरली भी करूंगा, सारा डेटा रहेगा मेरे पास जयपुर का, क्लियर। अब आपको ये भी बात पता है कि अगर जयपुर में कहीं पे बरसात हो रही है, लाइक ये मेरे पास सेंटर है जयपुर का, ठीक है, और आसपास बहुत सारी तहसील वगैरह बसी हुई हैं,
अब मैं पूरे जयपुर को एक साथ लेके चल रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो मेरे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है एक कैचमेंट है, तो अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता कि जिस इंटेंसिटी से यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में बरसात हो रही है उसी इंटेंसिटी से साइड में हो रही हो, नहीं है पॉसिबल, ऑब्वियस ही बात है। तो होता क्या है, अगर मैं एरिया और डेप्थ के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं एरिया और डेप्थ के बीच में ग्राफ, तो इधर मेरे पास बढ़ रहा है एरिया, ये ले रहा हूँ मैं किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि कैचमेंट का एरिया बहुत बड़ा होता है तो किलोमीटर स्क्वायर में ही ले सकते हैं अपन, और इधर है मेरे पास टोटल रेनफॉल डेप्थ, ये जनरली ले ली जाती है अपने पास सेंटीमीटर में। अब देखो आप कुछ सोच के देखो, यहाँ पे ये मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ पे रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है ऑब्वियस ही बात है कहीं क्या होगी, कहीं क्या होगी, कहीं क्या होगी, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ एक इंटेंसिटी की बारिश नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ, इस छोटे से एरिया को लेता हूँ, तो यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास डेप्थ होगी रेनफॉल की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। अब मैं इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा करके काउंट करता हूँ, इस एरिया को इतना लेके काउंट करता हूँ, अब इतने एरिया में लेट सपोज मेरे पास इतने पार्ट पे बारिश हो गई, बचे कुचे पे नहीं हुई, ऐसा मान सकते हैं अपन। और मुझे पूरा की पूरा एरिया काउंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज लूंगा, ऑब्वियस ही बात है, एवरेज लूंगा तो मेरे पास डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक, डेप्थ कम हो जाएगी। तो अब मुझे एक बात समझ में आएगी, जैसे जैसे मेरे पास एरिया बढ़ता जा रहा है, मेरे पास रेनफॉल की जो डेप्थ है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो बहुत बड़े एरिया में रेनफॉल की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, कहीं भी कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी गई है कि जैसे जैसे मेरे पास एरिया बढ़ता है, मेरे जो रेनफॉल की डेप्थ है टोटल वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे ऐसा मान सकता हूँ मैं, ये मेरे पास 50 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 100 किलोमीटर स्क्वायर है, ये 200 किलोमीटर स्क्वायर है, ये 300 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जैसे जैसे कैचमेंट का एरिया बढ़ेगा टोटल रेनफॉल डेप्थ इस टाइप से मेरे पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये होता है मेरा डेप्थ एरिया कर्व, ठीक है। यही से बोलते हैं अपन डी ए कर्व। अब डेप्थ और एरिया के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे इस इक्वेशन से अपन शो करते हैं, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस के ए की पावर एन, ठीक है। P जो है यहाँ पे, ये है मेरे पास टोटल एरिया का कैचमेंट, ठीक है। तो P जो है मेरे पास टोटल, सॉरी टोटल जो कैचमेंट है उसका रेनफॉल डेप्थ, ठीक है। तो ये है मेरे पास रेनफॉल डेप्थ ऑफ कैचमेंट। यहाँ पे आपको K और N जो दिख रहे हैं वो है मेरे पास कांस्टेंट, E का वैल्यू आप सभी जानते हो, और P नोड जो है मेरे पास वो है, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास बहुत बड़ा कैचमेंट था, बहुत बड़े कैचमेंट में से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिश हुई होगी, मैं मान रहा हूँ कि वहाँ मैक्सिमम बारिश हुई है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की बारिश हुई है, तो पी नॉट जो है वो उस पर्टिकुलर रेनफॉल की डेप्थ है जहाँ पे रेन सबसे ज़्यादा हुई है, समझ में आई बात। ये जैसे मेरे पास इतना बड़ा एरिया है ना, मुझे ऐसा पता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, तो पी नॉट जो है वो इस एरिया की टोटल डेप्थ है, क्लियर, और पी जो है वो इस टोटल एरिया की डेप्थ है, ठीक। ये रिलेशन होता है इसके बीच में, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कभी, ठीक। इसको आप लिख लें अपने तरीके से, मैं बता चुका हूं, आप अपने तरीके से इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ी देर रोक के आप अपने हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से इस चीज को नोट कर लें। बाकी J.En का एग्जाम है, A.En का एग्जाम है, उनमें इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि DAD कर्व होता है, अब आपको एक नाम दे दिया DAD कर्व, ठीक है। तो DAD कर्व में आपसे पूछ लेगा कि DAD कर्व जो होता है वो किस किस के बीच में बनाया जाता है। जैसे डबल मास कर्व का एक क्वेश्चन आया हुआ है, डबल मास कर्व का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि डबल मास कर्व किस किस के बीच में बनाया जाता है, मतलब किस लिए बनाया जाता है, क्या कारण से बनाया जाता है, किस किस के बीच में बनाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बना लो आप, तो अपने को इनका जस्ट बेसिक बेसिक देखना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं देखना है इनको, क्लियर। तो DAD कर्व में अपन ने
एक पार्ट पढ़ लिया जो क्या था डेफ्टेरिया करो था, दूसरा जो इसका पार्ट है वो है बी पार्ट बोलता हूं उसको मैं, वो है मेरा डेफ्टेरिया ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। यहां पे देखिए ये जो है मेरे पास ये किस किस में रिलेशन बताने वाला है अपना, डेप्थ में, एरिया में और ड्यूरेशन में, ठीक है। ये तीन चीजों में रिलेशन बताया गया, यहां पे ओनली अपने पास था डेप्थ एरिया का रिलेशन, ठीक है। तो मैं बनाता हूं देखो इसका ग्राफ, इधर मेरे पास आएगा टोटल रेनफॉल डेप्थ, क्लियर। इधर मेरे पास आएगा एरिया जो कि जनरली होता है अपना किलोमीटर स्क्वायर में, क्लियर है। ड्यूरेशन आएगी ग्राफ के अंदर। अब देखो समझाते हैं, आपको ये बात पता है कि ये मेरे पास कैचमेंट है, ठीक। कैचमेंट में मेरे पास लेट सपोज 6 घंटे बरसात हुई, ठीक। 6 घंटे बरसात हुई इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसा आप सपोज कीजिए मेरे पास 6 घंटे बरसात हुई तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर डेप्थ आ गई वाटर की, ठीक है। अगर मेरे पास बारिश 12 घंटे हुई होती तो इससे ज़्यादा आती ना, अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो। इसका मतलब क्या है, अगर 6 घंटे में मेरे पास 10 सेंटीमीटर आई है तो अगर 6 घंटे से ज़्यादा बारिश होती, लेट सपोज 12 घंटे बारिश होती, इसका मतलब क्या होता, मेरे पास 10 से ज़्यादा डेप्थ आती, ठीक है। तो मैं पहले बनाता हूँ 6 घंटे के लिए टोटल डेप्थ और एरिया में ग्राफ, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बात हमने अभी देख ली थी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है टोटल डेप्थ घटती है, तो ये मैंने बना दिया सेम पार्ट यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास 6 आवर का ग्राफ है, कि अगर मेरे पास 6 आवर रेनफॉल हुई है तो मेरे पास इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक। अगर मेरे पास रेनफॉल 10 आवर हुई होती या 12 आवर हुई होती तो क्या होता, मेरे पास टोटल डेप्थ बढ़ती, मतलब मेरा कहीं से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। तो अगर मैं ज़्यादा ड्यूरेशन का ग्राफ ले रहा हूँ तो इससे ऑब्वियस सी बात है ऊपर स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि रेनफॉल की डेप्थ ज़्यादा रिजर्व हो गई होगी उस टाइम पे। तो अगर मैं 12 आवर का बनाना चाहूँ तो मेरे पास इस टाइम पे बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास बारिश 12 की जगह 18 घंटे हुई होती तो ज़्यादा पानी गिरा होता, ज़्यादा पानी गिरता तो और ज़्यादा मेरे पास डेप्थ रिजर्व होती और जो ग्राफ आता 18 घंटे का वो इससे भी ऊपर आता। तो ये लो जी 18 घंटे का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस ग्राफ में अपने को तीन चीज़ का रिलेशन मिल गया, डेप्थ का, एरिया का और ड्यूरेशन का, ठीक है। इसे ही बोला जाता है डीएडी कर्व, क्लियर है। बना लें इसको, दोनों को बना लें। ठीक है, बना लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट है अपने पास डबल मास कर्व, जो भी नंबर है, नेक्स्ट है अपना डबल मास कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईएन एएन के एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखें यहां पे, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल मास कर्व के बारे में अपन ओनली बेसिक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जेईएन में इतना ही पूछा जाता है। इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसका क्या तरीका होता है करेक्शन लगाने का, वो अपने मतलब की चीज़ नहीं है क्योंकि वो जेईएन में कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब देखिए डबल मास कर्व होता क्या है। लेट सपोज मेरे पास ये एक कोई पर्टिकुलर जगह है, जैसे मैंने माना ये मेरे पास अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट एरिया है। अब अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है मेरे पास, मुझे उसका पता है कि भाई इसका एनुअल एवरेज रेनफॉल जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ऐसा मुझे पता है, क्लियर। अब मुझे ये भी दूसरी बात पता है कि अगर इस पर्टिकुलर जगह का एवरेज एनुअल रेनफॉल निकाला गया है तो इसका मतलब पुराना 30 साल का डेटा उठाया गया होगा, तभी एवरेज निकालेंगे, ठीक है जी, हो गई एक बात। अब अलवर इतनी बड़ी जगह है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे एक रेन गेज तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होंगे, मेरे पास काफ़ी सारे रेन गेज होंगे। तो मैंने माना अलवर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब काफ़ी सारे रेन गेज मेरे पास यहाँ पे प्लेस्ड हैं, लगे हुए हैं। मुझे अगर आज के साल, जैसे मुझे 2020 की एवरेज एनुअल निकालनी है, मैं क्या करूंगा, इन सारे रेन गेज स्टेशन से डेटा लेके आऊंगा,
उसका एवरेज निकालूंगा और मुझे इस साल का एवरेज पता लग जाएगा। ये तरीका होता है अपने पास, सिंपल सा, ठीक है, क्लियर। अब आप एक ऐसा केस देखिए, मुझे पता नहीं है लेकिन हुआ क्या कि ये वाला जो मेरे पास स्टेशन है, ठीक है, जो आपको ब्लू डॉट में दिख रहा है, ये 2-3 साल से गलत रीडिंग दे रहा है मुझे। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ खराबी आ गई हो, या जानवर आता जाता इसमें लाद दे गया हो, थोड़ा सा टूट गया हो, कुछ भी हो गया हो, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मेरे पास स्टेशन है ये 2-3 साल से गलत डेटा दे रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर ये मेरे पास स्टेशन गलत डेटा देने लग गया और मैं किसी ईयर का एवरेज काउंट करने लग गया तो मेरे पास एवरेज गलत आएगा। यही बात है ना, मैं 2020 का निकालना चाहता हूँ तो 2020 का निकालने के लिए क्या करूँगा, सारे रेन गेज स्टेशन से डेटा लेके आऊँगा, एवरेज निकालूंगा, ठीक है। अब उस एवरेज में अगर मैं इसकी गलत रीडिंग ऐड करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, जो एवरेज आएगा, वो भी गलत आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये अपने पास क्या हो गई, गलत इन्फॉर्मेशन हो गई, मतलब गलत डेटा आने लग गया। क्लियर? अब मुझे कैसे पता लगे कि यहाँ पे मेरे पास जो कोई स्टेशन है वो गलत निकल चुका है या गलत डेटा देने लग गया है, ठीक है। तो उसके लिए तरीका काम में लिया जाता है, डबल मास्क करो, ठीक है, देखते हैं अपन कैसे करते हैं इसको। और इसके अलावा जैसे अभी की साल चल रहा है अपने पास 2020, ठीक है, हो सकता है ये 2017 में खराब हो गया हो, गलत रीडिंग देने लग गया हो, ठीक है। तो मुझे आज ऐसा पता लगा कि भाई ये वाला जो स्टेशन था मेरा, ये क्या है, 2017 से गलत रीडिंग मुझे दे रहा है, तो अब मैं बैक में जाकर उसको सही तो कर नहीं सकता 3 साल पीछे, ठीक है। अब मेरे पास ये भी है कि मेरे पास जो पिछला 3 साल का डेटा है वो खराब है, गलत है, क्योंकि इसने गलत रीडिंग दी थी, ठीक। तो मेरे पास इसका एक तरीका होता है कि ये जो रेन गेज स्टेशन है इसकी वैल्यू में या इसका जो मेरे पास डेटा है उसमें मैं करेक्शन प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। ये तरीका होता है अपने पास इंजीनियरिंग में कि भाई कुछ चीज़ गलत आ रही है तो उसमें करेक्शन लगा दो, वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो करेक्शन लगाया जाता है इस पर्टिकुलर स्टेशन की रेनफॉल डेटा में, वो लगाया जाता है डबल मास कर्व की हेल्प से, ठीक है। तो डबल मास कर्व के 2 फायदे होते हैं, एक तो एक सेकेंड सॉरी तो डबल मास करो के 2 फायदे होते हैं अपने पास, 2 वर्क होते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं, कि किसी स्टेशन का अगर डेटा मेरे पास गलत आ रहा है तो वहां पे करेक्शन बताएगा, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई स्टेशन सही तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा उसके बारे में अपने को क्या देगा, जानकारी देगा, ठीक है। देखो कैसे चेक करते हैं कि भाई ये मेरा स्टेशन गलत डेटा देने लग गया या स्टेशन ये मेरा ख़राब हो गया, इसका कैसे पता लगेगा, कर्व की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कर्व बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये लो जी मैंने कर्व बना दिया, क्लियर। अब लेट सपोज जो मेरे पास स्टेशन खराब हुआ है उसको बोल दिया मैंने एक्स, ये वाला जो मेरे पास स्टेशन है इसको मैंने एक्स बोल दिया, और क्या किया इसका सही करने के लिए, इसमें करेक्शन लगाने के लिए आसपास 7-8 स्टेशन सेलेक्ट कर लिए इस पर्टिकुलर एरिया के, ये मैंने बाकी के इसके जो नियर बाई स्टेशन थे उनका एक ग्रुप बना लिया और उनका सारा की सारा डेटा मैंने निकाल लिया, ठीक है, क्लियर। अब ये जो मेरे पास एक्स स्टेशन है इसके पिछले 25-30 साल का डेटा मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं इसकी एवरेज एनुअल निकाल सकता हूँ, क्लियर है। तो मैंने एक्स का एवरेज एनुअल निकाल लिया, ठीक है, तो इधर है वाई एक्सिस की साइड में मेरे पास एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा ऑफ स्टेशन एक्स, ठीक है, और बाकी जो इसके आसपास का जो ग्रुप बनाया था मैंने, इसके आसपास के जो भी रेन गेज स्टेशन थे जिनका ग्रुप बनाया था, उस पूरे ग्रुप का एवरेज एनुअल डेटा निकाल लूंगा मैं, ठीक है, और उसे ले लूंगा मैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इधर आ गया मेरे पास एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा ऑफ ग्रुप ऑफ रेन गेज स्टेशंस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेशन की कंसिस्टेंसी मुझे कैसे पता लगेगी, जब मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास क्या चलेगा, इस टाइप से ग्राफ चलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा और वो हमेशा से एक जैसा ही होगा क्योंकि एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे ही प्लेस्ड है, ठीक है। जैसे ही इस ग्राफ में कहीं भी मोड आया, चेंज आया कहीं भी, ठीक है,
तो उस पर्टिकुलर जगह पे मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे मेरा जो एक्स स्टेशन है वो ख़राब हो गया था और इस जगह से गलत डेटा प्रोवाइड करवाने लग गया। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा लिया रेनफॉल का, इधर मैंने डेटा लिया ग्रुप का। ठीक है, मैंने यहाँ पे माना 2017 का डेटा, इधर लिया 2016 का, इधर लिया 2015 का, इधर 2014, इधर 2013, और ऐसे चलते चलते मैं चला गया 1990 तक। क्लियर है? तो जहाँ पे इस कर्व में मोड़ आ जाएगा या ब्रेक आ जाएगा, वहाँ पे मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा जो पर्टिकुलर स्टेशन एक्स है वो गलत डेटा प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डबल मास कर्व की हेल्प से क्या करता हूँ, पता लगाता हूँ स्टेशन का। ठीक है, और दूसरा इसके लिए करेक्शन प्रोवाइड करवाता हूँ। क्लियर है? तो एक बार तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डबल मास कर्व जो होता है वो किस किस के बीच में बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है एवरेज एनुअल डेटा ऑफ स्टेशन एक्स, जो कोई पर्टिकुलर स्टेशन है, और उसके आसपास के स्टेशन के ग्रुप का एनुअल एवरेज रेनफॉल डेटा के बीच में। ठीक है, क्लियर? इसको बना लें अपने तरीके से। ठीक है, बाकी इसमें समझने की बात थी। और दूसरी बात ये है कि जो डबल मास कर्व है वो बहुत बड़ा मेथड है, बहुत लेंदी मेथड है, जो अपने कोई काम का नहीं है जेईएन लेवल की वजह से। ठीक है, इतना बस इतना काम का है अपना, ये किस किस के बीच में बनता है। ठीक है, और जो स्टेशन की अपने को नॉलेज देता है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो दूसरा ये बताता है कंसिस्टेंसी ऑफ आर रेन गेज स्टेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब कि वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, डेटा हमेशा सही दे रहा है या नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट अपने वर्क के लिए। तो रेन गेज का वर्क क्या है, डेटा प्रोवाइड कराना। तो अगर रेन गेज डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, गलत डेटा दे रहा है, तो वो क्या हो गया, इनकंसिस्ट हो गया। तो डबल मास कर्व की हेल्प से अपन क्या करते हैं, किसी भी रेन गेज स्टेशन की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? ये बना लीजिए। ये क्वेश्चन दो बार आया है कि रेन गेज, सॉरी डबल मास कर्व का क्या यूज होता है, तो वो होता है कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज स्टेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया है कि किस किस के बीच में बनाया जाता है, तो ये अपने पास दो चीज रही। ठीक, बना लिया होगा। अगला जो मेरा कर्व है उसके बारे में लिखें, इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व, हेडिंग डालें छोटी सी, इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व। इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व, देखो जी नाम से ही पता चल रहा है किस किस के बीच में बन रहा होगा, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बीच में बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं इंटेंसिटी और इधर लेता हूँ मैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपको जिंदाबाद पता है, आवर में चलती है अपनी। ठीक है, और इंटेंसिटी किस में चलती है, सेंटीमीटर पर आवर या एमएम पर आवर में, आई से डिनोट करते हैं अपन। क्लियर? अब देखो एक सिंपल सी बात है, इतने बड़े हो गए तो देखा भी होगा अपन ने कि जितनी तेज बारिश होती है, मतलब अगर बहुत तेज बारिश हो रही है ना मेरे पास, तो बहुत कम समय के लिए रहती है। ठीक है, जनरली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, और अगर मेरे पास लंबी बारिश अगर कोई है तो वो धीरे धीरे चलती है। अगर कोई 8-10 घंटे कंटिन्यू बारिश होगी तो वो क्या होगी, मीडियम स्पीड से होगी, मीडियम इंटेंसिटी से होगी। ठीक है, और अगर मेरे पास बहुत तेज बारिश हुई है तो वो क्या होगा, एक टाइप का स्टॉर्म होगा जो कुछ समय के लिए आएगा। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है जनरली, प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि अगर बरसात की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी कम उसकी ड्यूरेशन, मगर अगर बहुत ही तेज़ बरसात हो रही है तो उसकी ड्यूरेशन कम होगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से डिक्रीजिंग बनता है। ठीक है, मतलब अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, सॉरी
ठीक है, इस टाइप का इनके बीच में क्या बनता है, ग्राफ बनता है। क्लियर? अगर मेरे पास ड्यूरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जीरो ड्यूरेशन मेरे पास, और इस साइड में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर मेरे पास ज़्यादा इंटेंसिटी, मतलब इस पॉइंट पे कोई स्टॉर्म आ रहा है, कोई रेनफॉल हो रही है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी मेरे पास, कम होगी। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसी कोई रेनफॉल है जिसकी इंटेंसिटी कम है, तो उसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इसे अपन वाइस वर्सा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लॉटिंग होती है मेरी नॉर्मल प्लॉटिंग। नॉर्मल प्लॉटिंग का मतलब है मैंने जो नॉर्मल डेटा था सेंटीमीटर पर आवर में और आवर में, ये डायरेक्टली प्लेस कर दिया। एक दूसरा ग्राफ और बनता है इंटेंसिटी ड्यूरेशन का, जहाँ पे इन दोनों जो एक्सिस हैं उनको लॉग में लेते हैं अपन, जो डेटा है अपना उसको लॉग में लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं लॉग ग्राफ, सिंपल सी बात है। तो वो किस टाइप का बनता है, देखो यहाँ पे मेरे पास ड्यूरेशन है, जनरली आवर में ही होती है, और इधर है मेरे पास इंटेंसिटी। ठीक है, सेम टू सेम ग्राफ है, बस क्या कर रहा हूँ इसको लॉग की टर्म में बना रहा हूँ, लॉग ग्राफ बना रहा हूँ इसका। ठीक है, तो ये बनता है मेरे पास इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, ये कैसा है मेरे पास, लॉग है। ठीक, क्लियर है? कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनके, ईएसई में जरूर ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं, जेएन में तो नहीं पूछे हुए, लेकिन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको चार ग्राफ दे देगा उल्टे सीधे बना के, पूछ लेगा कि भाई इनमें से इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व कौन सा है, तो आप बताओ आराम से। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ ग्राफ्स थे जो कि अपने काम के हैं, बना लो इनको। देखो इसके अलावा खूब सारे और होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह के होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी वगैरह के ग्राफ से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो भविष्य में भी नहीं पूछा जाएगा, और ना ही वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेन मेन जो ग्राफ है अपने प्रिसिपिटेशन के, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो आप इन्हीं को ही पढ़ लें, सफिशियंट है। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।